अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी साहिवाल में हसनैन भाई के पास। आज जी इनके जानवरों का शौक दिखाएंगे। तो ये काली डब्बी बकरी दिखा रहे हैं माशाल्लाह। हसनैन भाई, ये दांतों से क्या है? छह दांत है। छह। और इसका सुआ कौन सा है? पहला। माशाल्लाह, फेस की बनावट देखें, सींग देखें, कितने खूबसूरत चिपटे हैं। और मैं अभी इसको आपको थान चढ़ा दिखाता हूँ इसका। माशाल्लाह, ये देखें, फर्स्ट टाइमर है। और इसके चड्डे में गुंजाइश देखें कितनी है। बहुत ही अच्छी दूध वाली बकरी बनेगी। कितना अच्छा लेती है सुने में? 15-20 दिन निकालती है माशाल्लाह। इसकी टांगे देखें कितनी मजबूत हैं, हैवी जोड़ वाली बकरी है। सीना देखें कितना चौड़ा है। कान देखें माशाल्लाह, कान तो बहुत ही लंबे हैं माशाल्लाह। हसनैन भाई, एक और काली बकरी, काली डब्बी बकरी। अच्छा, लाल डब्बा है ये? मेरा ख्याल लाल और काले में मिक्स है। शील्ड देती है? शील्ड नहीं, लाल और काले में ना तकरीबन मिक्स है। ना ही फुल लाल है, ना ही फुल काली है। जी जी, दोनों शेपें दे रही है, शेप्स हैं। दांतों में ही क्या है माशाल्लाह। इसकी फेस की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा मुझे फेस वाइज बकरी पसंद है। सींग भी अच्छे हैं। और ये आप बता रहे थे ये चुवाई किधर करनी इसकी? बबे मोहम्मद बना। वो किधर? उधर बकरियों की चुवाई होती है? मुकाबला नहीं, वैसे शौक के लिए। अच्छा, शौक के लिए चुवाई होती है। अच्छा, ये नुमाइशी बकरी माशाल्लाह ये। जी जी, इसका थान छड़ा दिखाएगा हमें। अच्छा, तैयारी इनकी माशाल्लाह। थान देखे बहुत ही खूबसूरत है। ये कितने लीटर दूध वाली बकरी है? तकरीबन 7-8 लीटर देगी इंशाल्लाह। अच्छा, 7-8 लीटर ये बकरी दूध देगी? दोनों टाइम होगा ना? जी जी, दोनों टाइम। इसका सीन क्या? सुई, इसके बच्चे कितने इस दफा के? इसके बच्चे 2 हैं। ये कितने सुए सूझ गई? ये अभी दूसरा वारा। अच्छा जी, दूसरा वारा इसने सुने सू चुकी, सू पड़ी है। 2 बच्चे नर मादी? जी जी। अच्छा, बच्चों को पिला कर दूध तो काफ़ी बच जाता होगा? जी, बच जाता। टांगे भी बहुत मजबूत है माशाल्लाह। खुले सीने वाली बारीक चमड़ी वाली बकरी है। और सबसे बड़ी बात है हसनैन भाई, ये थन आम तो नहीं लगते होंगे। हर बकरी को नहीं ये लग सकते। अब पहले भी 2-3 बकरियाँ दिखाई हैं, लेकिन ये वाली चीज़ हर किसी में नहीं आ सकती। ये तो कुदरत की देन है, जिसको चाहे दे दे कुदरत। पीछे आना, पीछे देखना, ये दूध जितना आगे तो ऊपर जगाएंगे ना, ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ ये देखो, सफेद सफेद सारा दूध ही नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये दूध ऊपर भी अंदर जा रहा है इधर। और बकरी भी माशाल्लाह हसनैन भाई कितनी अंदर तक जा रहा है, देखो बहुत थले ना अंदर जा रही है ना, ये अंदर, ये नीचे आ रहा है सारा माशाल्लाह। इसके थनों में दूध, ये अब किस टाइम चुवाई करनी इसकी? शाम को मनपना ऐसे चोनी हो नहीं चोनी। अच्छा, अब नहीं चोनी, लग गया तकरीबन 2 हफ्ते ठहर ठीक हो गया। अच्छा हसनैन भाई, ये इस तरह की बकरियाँ अमूमन नॉर्मली तौर पर शौकीन लोग रखते हैं ज़्यादातर। जी जी जी। और ना ये बकरियाँ कोई आसानी। माशाल्लाह से आप एक और नागरी बकरी दिखा रहे हैं। इसकी तो हाइट भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये हाइट में कितनी होगी हसनैन भाई? कितना? माशाल्लाह 43 इंच। 43 इंच हाइट कौन नापता है? अच्छा अच्छा, दांतों में ये क्या है? 8 होगी। और ये तोता फेस है इसका, सींग बहुत खूबसूरत है, ब्लैक धारी में है। ये थन बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, क्वालिटी वाले। ये कितने माह की कपड़ है? कितना सुआ है सुना इसने? तीसरा माशाल्लाह। हसनैन भाई, अगर कोई शौक करना चाहे आपके पास आए तो शौक से कुछ जानवर सेल कर देंगे? नंबर बोल दे अपना। 0319-14-15-432। दोबारा बोल दे एक दफ़ा। 0319-14-15-432। कॉल व्हाट्सएप दोनों हैं? हाँ जी, ठीक हो गया जी। आप रब्ता कर सकते हैं। 6 लीटर दूध 2 टाइम का। हाँ। बच्चों को पिला कर बचता होगा। हाँ। मेरा ख्याल आपके पूरे रेवड़ में यही ज़्यादा इस टाइम बकरी है। हाँ। ज़्यादा हाइट वाली इसकी हाइट है। इससे भी एक है। इसकी माँ है? नहीं, इसकी माँ सेल। ठीक हो गया। और माशाल्लाह मैंने देखा आपकी बकरियाँ ना ज़्यादातर लवी हैं। कोई 4 दांत है, कोई 6 दांत, कोई 8 दांत, अभी फ्रेश 4 दांत बकरियाँ। ये दूसरी बकरी ना उससे जो आप कह रहे थे, एक और बड़ी बकरी है। इसकी हाइट क्या है? इसकी होगी तकरीबन माशाल्लाह बहुत ही हाइट है। और इसकी लाम भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दांतों में क्या है? ये भी आठ है। इसका सुआ कितना है? इसका भी तीसरा। अच्छा, इसका भी तीसरा। ये कितने माह गब्बड़ है? थानू बहुत लंबे हैं माशाल्लाह। अच्छा है, कन्फर्म गब्बड़ ही। अच्छा, जिस बकरे से ये क्रॉस हुई उस बकरे की क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा, नागरा था वो, सेल कर दिया आपने? ठीक, वो घर का बकरा था? जी जी, घर का। अब आगे घर का कोई बकरा तैयार हो रहा है इनमें से? हाँ, हो रहे हैं अब तैयार। दिखाता हूँ वो भी, इसकी मैं एक पट दिखाता हूँ। इसकी एक पट दिखाएं फिर।
माशाल्लाह से देखे जी, जैसी माँ है ना वैसी फोटो कापी उसकी बेटी है। इस पट की उम्र क्या है ये बता दे पहले। ये भी चार दांत हो रही है। चार दांत अभी हो रही है, क्रॉस होगी कि नहीं? अभी क्रॉस करवानी है। अच्छा अभी क्रॉस करवानी है जी। तो मेरा ख्याल पट की माशाल्लाह यार इसकी क्वालिटी देखे, चमड़ी बहुत बारीक है, बहुत खूबसूरत फोटो कापी अपनी माँ की जैसी। ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत ये बकरी है। अगर कोई शौक से ये भी लेना चाहे दे देंगे। चलो ठीक हो गया जी। माशाल्लाह से अब एक और बकरी का शौक दिखाने लगे हैं। ये दांतों से क्या, ये फुल नागरी बकरी ब्लैक धारी में छह दांत है और इसके सींग देखे कितने मोटे और चिपटे सींग है इसके। और ये कौन सा वारा है इसका सुने का? पहले सुए में क्या कह दिया था इसने? नरमाती। पहले सुए के बच्चे अच्छे थे क्वालिटी वाइज। ये देखें इसके टांगे देखे माशाल्लाह कितनी मजबूत हैं, सीना देखे कितना चौड़ा है और चमड़ी देखे कितनी खूबसूरत गुंजाइश वाली चमड़ी है। चमड़ी बारीक होना कितना ज़रूरी है हसनैन भाई बकरियों के लिए? अच्छा है चमड़ी बारीक हो। सही, ये बकरी सुई हुई ना? जी जी। इसका नरम आती है, दिखा सकते हैं आप चोला उतार के थन चढ़ा? इसके बच्चे हैं इधर? अच्छा वो बच्चे घर में हैं। सही, कान शान देखे इसके बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हसनैन भाई ये दूध में कितना लीटर दूध खा रही है? चार लीटर। ए दोनों टाइमों का? जी जी। सारा बच्चे को पिला रहे हैं कि नहीं? ना अच्छा जो बच जाता है यानी कि जितना दूध बच्चे पी जाएँ अपनी मर्जी से, बाकी जो बच जाए वो आप निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह थान काफ़ी पोले और मुलायम है और गुंजाइश वाले थान हैं, क्योंकि बाद बकरियां ने थान हसनैन भाई या फिर उन्होंने कि गोश्त वाले होंगे, एक गोश्त वाले नहीं नहीं माशाल्लाह दूध वाले थान ने, क्योंकि कई ना चमड़े ही इतना ज़्यादा हैवी होंगे वही लगता है जिम्मे दूध वाली बकरी है, लेकिन दूध होता नहीं है, वो गोश्त ज़्यादा होंगे। ये रेवड़ा हसनैन भाई का जो कि 101 गाँव या 9L में रहते हैं, बहुत मशहूर गाँव है बकरियों के लिए, ये पूरे पाकिस्तान में इधर से लोग बकरियां लेकर जाते हैं, ऐसी ही बात है ना? जी जी। लोग शौक काफ़ी करते हैं, 101 में आते हैं लोग। एक और नागरी बकरी दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये दांतों से क्या दिखाईगा? आठ हो, आठ पूरे हो गई है जी माशाल्लाह। इसकी भी सींग देखें, चिपटे बैठने सींग हैं और ब्लैक धारी में है। तो ये मेरा ख्याल सोने वाली बकरी है, ये कितने दिन लेती है? तकरीबन एक दो दिन निकाले। एक अच्छा यानी फुल तैयार है? जी जी तैयार। एक दो दिन निकालेगी माशाल्लाह। तो अभी इसने दूध तो नहीं उतारा मेरे ख्याल? अभी उतारेगी ना। अच्छा एक दो दिन में उतार लेगी? जी जी। माशाल्लाह ये भी टांगे देखे इसकी बहुत मजबूत हैं, सीने की गुंजाइश देखें, बारीक चमड़ी है, बहुत खूबसूरत बकरी है। एक और बकरी काली डब्बी है जी माशाल्लाह। इसकी फेस की बनावट देखें, बहुत खूबसूरत फेस है इसका, सींग बहुत खूबसूरत हैं, चमकीले, कानों की लेंथ भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इस बकरी का क्या सीन है? सुने वाली है। दांतों से क्या है? दांतों में छह। ज़्यादातर माशाल्लाह आपके पास ना लवी बकरियाँ ही हैं, छः दांत आठ दांत, बूढ़ी नहीं है, जवान बकरियाँ हैं। तो ये सुने वाली है ना जी? ये कितना सो इसका? दूसरा। अच्छा इसका दूसरा सो है भाई। बकरी कितने दांत में नहीं करवानी चाहिए? नॉर्मल वे कहना भाई, अच्छी आई डी कार की भाई, अक्सर कहते अगर ना, अक्सर कहते छः दांत ही क्रॉस करें, छः दांत ही नहीं क्रॉस करें, बकरी पे पट हैगी ना वे क्या भी, अच्छी आई डी कार की है, दो दांत या चार दांत क्रॉस करा, यानी कि दो चार दांत भी अगर उनकी हाइट चंगी होगी तो क्रॉस करा लो, इतना टाइम ज़ाया ना करो। ज़्यादा ना छः दांत ला जाने वो जुलम करते जानवर ना, क्योंकि उस वजह से बकरियाँ ठहर दी, क्योंकि जानवर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, बार बार उनकी ख्वाहिश ज़ाया हो रही है, बार बार तो यही दिखते आ रहे हैं इस वजह से। सही माशाल्लाह इसकी टांगे भी बहुत मजबूत हैं, बहुत खूबसूरत बकरी है। ये प्योर अमृतसरी बीटल है जो इंडिया के शहर से आई हुई बकरी है, ये वही है ना सारी सारी नस्ल है जी, वही।